अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं कुछ नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को वॉच करें लास्ट तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, चिकन मैरिनेटेड बिरयानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये है अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट जो कि मैंने तेल में फ्राई कर लिया है, अच्छे से फ्राई हो रहा है। मैं हमेशा बिरयानी जब भी बनाती हूँ प्याज को ग्राइंड कर लेती हूँ और अदरक लहसुन को इसमें डाला है और ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। और ये मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा है, इसे आधा घंटा हो गया है। इसमें मैंने एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिकन बिरयानी मसाला पाउडर, विनेगर और दही डालकर मैंने चिकन मैरिनेट किया है और आधा घंटा हो चुका है। और आधा घंटा होने के बाद ये मैं इस पेस्ट में इसे मिक्स कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें और कुछ मसाले डालने वाली हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़े थोड़े मसाले मैरिनेशन में डाले हैं और थोड़े मसाले में ग्रेवी तैयार करूँगी उसमें डालूँगी। अगर आपको मेरी चिकन मैरिनेटेड बिरयानी देखनी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं सेपरेटली आपको इसका वीडियो बनाकर बताऊँगी कि किस तरह से मैं चिकन मैरिनेटेड बिरयानी बनाती हूँ और किस तरह से ये बिरयानी बनती है। तो फ्रेंड, ये बिरयानी जो है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज बनती है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपनी चिकन मैरिनेटेड बिरयानी। और फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है मैंने इसमें वॉइस ओवर किया है, इसमें मैंने फेस शो नहीं किया है और वॉइस ओवर के हिसाब से मेरा थोड़ा आवाज़ जो है वो आगे पीछे हो जाएगा। मेरा जो बोलना है, थोड़े जो इंग्रेडिएंट मैंने इसमें डाले हैं वो थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे, तो प्लीज़ माइंड मत करना, आप समझ जाना। इस तरह से मैंने अपनी चिकन मैरिनेट बिरयानी में बना रही हूँ। इसमें मैंने नमक डाला है, नमक मैंने मैरिनेशन में नहीं डाला था इसलिए मैं अभी नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालूँगी, थोड़ा मैं जैसे मैंने आपको बताया एक चम्मच मैंने मैरिनेशन में सब एक चम्मच डाला है। गरम मसाला एक चम्मच ना डाले, गरम मसाला थोड़ा कम डाले, आधा चम्मच डाले, चाय के चम्मच आधा। और इसके अंदर मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद मैं इसमें कुछ गरम मसाला डालूंगी, खड़ा गरम मसाला जो होता है, जिसमें लौंग है, चार पाँच लौंग है, थोड़े पाँच छः इसके अंदर काली मिर्च डालूंगी, चार इलायची डालूंगी, स्टार एनिस डालूंगी, सिनेमन डालूंगी। और उसको डालने के बाद मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसमें ज़ीरा डाला है थोड़ा, इस तरह से देखिए मैं डाल रही हूँ। इस आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि चिकन जो है हो रहा था तो इसके अंदर थोड़ा भापें निकल रही थी इसमें से। देखिए मैंने आपको बताया, इस तरह से मैंने इसमें गरम मसाला डाला और गरम मसाला ये सब कुछ डालने के बाद मैं इसमें टोमेटोज डालूंगी। टोमेटोज़ जो है मैंने वो कट करके डाले हैं, बड़े कट कर डाले। अगर आपको छोटे कट करना है तो आप डाल सकते हो। और इसके अंदर जो भी मैंने स्पाइसेस डाली है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। हमारे घर में मीडियम ही खाते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं खाते हैं, तो हिसाब से ही मैंने सारे मसाले इसमें डाले हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसमें टोमेटोज़ डाले और इसमें मैंने टोमेटोज़ डालने के बाद इसमें मैंने कोरिएंडर धनिया पत्ता डाला है। धनिया पत्ता डालने के बाद मैंने इसे हिलाया नहीं है, उसके बाद मैंने दही डाला है और उसके बाद में इसे मैंने हिलाया है। और इसे हिलाने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से ग्रेवी तैयार होगी। इसके अंदर ऑयल आएगा, आप इसे ढककर रख दीजिए, इसमें खुद ही ऑयल आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। हम जो बिरयानी बना रहे हैं और जो बिरयानी के चावल बना रहे हैं वो बॉईल करके बना रहे हैं। बॉईल करके जो चावल बनाते हैं ना, तो उससे जो है चावल बहुत अच्छा और खिला खिला बनता है। तो मैंने जो है चावल एक किलो लिया, तो उसके हिसाब से पानी, कभी भी चावल कितना भी ले उसके हिसाब से पानी ज़्यादा ही रखें। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी लिया है और इसके अंदर मैंने कुछ गरम मसाले डाले हैं। गरम मसालों में डाला है ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, जावित्री और स्टार एनिस। उसे क्या बोलते हैं वो फूल को मुझे पता नहीं, उसे इंग्लिश में नाम पता है इसलिए मैंने बताया स्टार एनिस। और इसमें मैं तेज़पत्ता डालूँगी, वो तेज़पत्ता वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी इसलिए मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने इसे बाद में डाला था। इसमें मैंने डाला है तेज़पत्ता डाला है। फिर उसमें तेल डालूंगी, तेल डालने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी और अगर आप चाहे तो इसमें आप धनिया पत्ते भी डाल सकते हैं। मेरे पास ख़त्म हो गया था क्योंकि पूरा ही मैंने ग्रेवी में डाल दिया था, मुझे याद नहीं था तो मेरे पास ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने नहीं डाला। अपने मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, ऑप्शनल है। और देखिए इस तरह से पानी को अच्छे से बॉयल आने देना है। पानी को अच्छे से बॉयल आ गया,
कि फिर उसमें हमें चावल डालने हैं। चावल जो मैंने लिया है वो मैंने भी आधा घंटा भिगा कर रखा था चावल को भी, और उसके बाद में देखिए इस तरह से मैंने चावल जो लिया है वो सीला चावल लिया है, और भिगोने के बाद मैंने इसे पानी में बॉईल आने के बाद डाल दिया है। और जो आप चावल डाल रहे हो तो चावल डालने के बाद आप इसे बार बार देखते रहे, अगर आप इसे बार बार देखोगे तो ये पूरा नहीं पकेगा, चावल को पूरा नहीं पकने देना है। उसमें थोड़ा सा एक कनी जो होती है उसे बाकी रहने देना है, हाथ में दबा कर देखिए थोड़ा हल्का कच्चा लगता है तो इसे आप फिर पानी को ड्रेन कर लीजिए। पानी को आपको बहुत सावधानी से ड्रेन करना पड़ेगा। इसे ढक कर रख दिया है मैंने, फिर इसके बाद में मैंने ये देखिए आप देख सकते हो ग्रेवी मेरी तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है, और ग्रेवी जो है उसे कम पर ही बनाए, कम आँच पर ही ग्रेवी बनाए, क्योंकि उस फिर वो नीचे से लगता भी नहीं है और टेस्ट भी ख़राब नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने चावल को चावल का पानी ड्रेन किया है, देखिए आप देख सकते हो कितना गर्म है, बहुत गर्म पानी था इसलिए मैंने वीडियो नहीं शूट किया है, वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही उसके अंदर से गरम गरम भाप निकल रही थी, इसलिए वीडियो नहीं शूट हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं लिया। इस तरह से देखिए मैं लेयरिंग कर रही हूँ, इस तरह से मैं पहली लेयर चावल की करूँगी और फिर चावल की लेयर करने के बाद मैं इसमें चिकन की सेकंड लेयर करूँगी। आप देख सकते हो कितना टेस्टी और कितना लजीज लग रहा है। और हाँ, आप जब भी ग्रेवी तैयार करते हो ना तो बार बार ना हिलाए चिकन को, क्योंकि चिकन जो होता है बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है, तो चिकन को बार बार ना हिलाए, एक साथ सब इंग्रेडिएंट डालने के बाद ही हिलाए चावल को, सॉरी चिकन की ग्रेवी को। और उसके बाद देखिए मैंने इस तरह से सेकंड लेयर चिकन की लगाई, सेकंड लेयर चिकन की लगाने के बाद मैं थोड़ा चिकन थोड़ा मसाला डाल रही हूँ, मसाला डालने के बाद मैं थोड़ा इसमें कलर डालूँगी, थोड़ा कलर डालने के बाद मैंने इसमें जो कलर लिया है वो ऑरेंज और ग्रीन लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हो आपको जो कलर लेना है। मैंने सोचा कि 15 अगस्त आ रहा है तो चले दो कलर यही ले लेते हैं, ऑरेंज और ग्रीन, वाइट कलर तो है ही चावल का, ये हिसाब से मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। तो मैंने जो चावल का देखिए आप देख सकते हो इस तरह से मैंने सेकंड लेयर चिकन की, फिर मैं थर्ड लेयर जो है वो चावल की कर रही हूँ। थर्ड लेयर चावल की करने के बाद देखिए इस तरह से मैंने थर्ड लेयर चावल की और इसके अंदर जो है दो लेयर चिकन की हो रही है और थर्ड तीन लेयर चावल की हो रही है। इस तरह से मैं लेयर वाली बिरयानी बना रही हूँ। और अगर आपको मेरी चिकन मैरिनेटेड बिरयानी की रेसिपी देखनी है तो आप, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको सेपरेटली चिकन मैरिनेशन की बिरयानी बनाकर बताऊँगी किस तरह से चिकन मैरिनेटेड बिरयानी स्टेप बाई स्टेप बनती है, तो मैं आपको बताऊंगी, और कितने मसाले कौन से क्वांटिटी के हिसाब से इसमें डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये चिकन की सेकेंड लेयर इस पर रखी है, और फिर आपको थोड़ा सा चिकन सारा भी इसमें मतलब मसाला है जो है वो उसमें डालना है, और जो मसाला है वो जो आप मसाला तैयार कर रहे हो उसे ज़्यादा पतला ना रखे, उसे ग्रेवी के हिसाब से ही रखे, उसे पतला ना रखे। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने जिस तरह से बनाया है मैं आपको बता रही हूँ। मैं अब मैंने पूरा चिकन इसमें डाल दिया है, इसमें मसाला डाल रही हूँ, मसाला डालने के बाद फिर मैं इसमें चावल की लेयर लगा दूँगी, और चावल की लेयर लगाने के बाद मैं इसमें कलरिंग कर दूँगी, जिसे क्या मैंने आपको बताया इसमें मैंने दो कलर लिए हैं। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स मैंने डाला है, और अगर आपको जो भी मेरे ब्लॉग्स देखने हैं आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स करके कि आज ये ब्लॉग बता, आज ये ब्लॉग बनाए वो बनाए, तो मैं आपको बनाकर ज़रूर बताऊंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करूं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग्स शेयर करूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने जो थर्ड लेयर चावल की लगाई है इसमें तीन लेयर चावल की लगी है, दो लेयर चिकन की लगी है। अगर आपको एक परत वाली बिरयानी बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, पूरी पूरा चिकन को आप डाल दे और पूरा चिकन डालने के बाद उसमें चावल की लेयर लगा दे, उस पर कलरिंग कर दे, और आपको जो भी गार्निश करना है धनिया से गार्निश करे, टोमेटो से गार्निश करे। मैंने इसे सिर्फ कलर से गार्निश किया है, मैंने इसमें ना धनिया डाला है ऊपर से और ना ही मैंने इसमें टोमेटोज डाले हैं। इस तरह से मैंने सिंपल बिरयानी बनाकर आपको बताई हूँ। मुझे बिरयानी बनाना बहुत अच्छा लगता है और बिरयानी बनाना मुझे बहुत पसंद है, और मुझे बिरयानी बहुत अच्छी भी लगती है, टेस्टी। और चिकन मैरिनेटेड बिरयानी आप बनाएं आपको खुद ही बहुत पसंद आएंगी। और इस तरह से मैंने पूरा चावल इसमें डाला, बहुत गर्म था इसलिए मैं फटाफट डाल रही थी, और इस तरह से मैंने इसे फैलाया पूरी तरह से, और फिर मैंने इसमें राउंड कर कर दो कलरिंग की है। 4 मिनट की वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त के हिसाब से मैंने इसमें कलर डाला है, एक ऑरेंज और ग्रीन, इस तरह से राउंड कर कर, और फिर मेरी बिरयानी तैयार हो गई। हम इसे 15 मिनट दम दे लेंगे और फिर बिरयानी तैयार हो जाएंगी। अगर आपको भी वीडियो देखना है तो प्लीज़ मुझे बताएं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कर दो।